आपको आपके पैसे मिल गए, अब यहां से प्रस्थान कीजिए, हमारी शिरडी से और झिपरी की जिंदगी से भी। हाँ हाँ जा रहा हूं, अब वैसे भी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। हरिओम। अभी तो नहीं जा सकता, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन मुझे आपके साथ जाना है। तो फिर थोड़ी देर रुक जाओ, जब तक तुम पढ़ाई कर लो, और पढ़ने के बाद मैं तुम्हें तेनाली राम की कहानियां सुनाऊंगा। सच? हाँ, जाओ तुम जाकर पढ़ो। हाँ हाँ। पता नहीं कहाँ चला गया केशव। लो, मैंने पूरा घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो दादा के कमरे में। अरे मुझे क्या काम था। हाँ, ये बर्नी का ढक्कन खोल के दो मुझे। पता नहीं वहीनी इतना जोर से क्यों बंद करती है, मुझे तो कभी कभी लगता है वहीनी को मेरा अचार खाना पसंद ही नहीं है, है ना। अरे खोलो ना, खोलो खोलो। अरे वाह तुमने तो इतना झट से खोल दिया, अचार है सुनो। केशव, नीचे कैसे गिर सकते हो तुम केशव? रुक्मिणी! ये पिताजी, मां को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं पैसे वापस रखने आया था। चोरी तो मैंने कल रात की थी जब आप सो रहे थे। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इतनी बड़ी बात आंख से आंख मिलाकर मुझसे कह रहा है तो केशव? आपसे ही सीखा है पिताजी, आप गरीब गांव वालों को धोखा देकर उनके पैसे ऐंठते हैं, आप पैसे लूटते हैं, कभी गलत ब्याज जोड़कर तो कभी पानी बेचकर, और इस बार तो आपने हद कर दी पिताजी। एक गरीब लाचार बिना बाप की बेटी और उसके परिवार पर आपने पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। जब आप ये सब कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं?
और मैंने तो चोरी किसी की मदद करने के इरादे से करी थी। वो तो शुक्र है साईं का, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। और साईं हमेशा सच कहते हैं, उनके ही कहने के अनुसार मैं यहाँ पैसे वापस रखने आया था। और मुझे तो पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि हमेशा की तरह आपकी ये योजना भी असफल रहने वाली है, और रही भी। मर्यादा में रह केशव, मर्यादा में रह। अपने बाप से इस तरह बात नहीं की जाती। किस बात की अकड़ है तुम्हें? किस बात की? तेरा जो अस्तित्व है ना, वो मुझसे है। मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है। तेरा नाम भी मेरा दिया हुआ है, केशव भी और कुलकर्णी भी। ये जो सूट बूट पहन के इतराते घूमता है ना गांव में, वो मेरे पैसे से आया है। विदेश में जाके तूने जो पढ़ाई की है वो मेरे पैसों से हुई है। मेरे सामने खड़े रहकर मुझ पर आरोप लगाने की तुम्हें जो शक्ति आई है ना, वो भी मेरा अनाज खा के। इतनी अकड़ है ना तुम्हें, तो अपने पैरों पे खड़े होके दिखा, तब जाके मैं शायद तुम्हारी बात सुन भी लूं। लेकिन आज यहां तुम्हें मेरे सुननी होगी, समझे? अप्पा ऐसा आपने जो मेरी भतीजी जिप्री के लिए किया है, उसके लिए मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। और मैंने जो उसके साथ किया है, उसकी वजह से मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। आज अगर वो आदमी चिपरी को ले गया होता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सोचकर शायद मैं मर ही गई होती। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आप दोनों के साथ भी जो बदतमीजी की है उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया, फर्ज था हमारा। पायसा माँ, आप जानती हैं, अगर सरकार के पास कोई चीज गिरवी रखवा दी जाए तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। ये जानते हुए भी आपने अपनी सारी जमीन गिरवी रखवा दी। झिपरी, तू इतनी चिंता क्यों करती है? हाँ, तू भूल रही है सरकार जो चाहते थे सब उसके विपरीत हुआ। और जब मेरा बड़ा बेटा मेरे पास है, अपनी माँ के पास है, तो किस बात की चिंता? तू खुद ही देख ले, उस बूढ़े आदमी से अनजाने में शादी करने जा रही थी, लेकिन शादी नहीं हुई ना। और तू जानती है झिपरी, अभी थोड़ी देर पहले हम सब यही सोच रहे थे कि 300 रुपए कैसे जुटा पाएंगे। हमें तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था, लेकिन फिर साय आया और उसने सब सुलझा दिया। उसी तरह ये परेशानी भी हल हो जाएगी। साई हमें इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। और साई ने कुलकर्णी सरकार को कहा है कि एक सप्ताह तक जमीन के कागजात संभाल के रखे। हो सकता है कि एक सप्ताह के भीतर ही हमें हमारी जमीन वापस मिल जाए। अगर साई ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा ना, है ना साई? मुझे भी पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इतने पैसे हमें क्यों दे रहे हो? ये तो हमने आपके लिए गिराए थे। क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है तात्या, जमीन तो तुम्हारे पास रही नहीं गुजर बसर करने के लिए, और घर पे पड़ा हुआ अनाज और पैसे कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। तो अभी से आदत डाल लो फेंके हुए पैसे उठाने की। अंता जी, वैसे पाटिल जी के लिए कोई बड़ी समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका मुंह बोला बेटा साईं भीख मांग के ही तो अपना गुजारा करता है, वैसे ही लोग भी कर लेंगे। सारा परिवार एक साथ मिलकर भीख मांगेगा तो कम से कम खाने भर की तो व्यवस्था हो ही जाएगी, क्यों पता जी? चलो जाते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती पर ये लोग नहीं। सुबह शाम कुलकर्णी सरकार से बात और लात खाते रहते हैं और फिर अपनी भड़ास पूरे गांव वालों पर निकालते हैं। सही कह रहे हो तुम माधव, इस समय मुझे और सोचने की जरूरत है। हाँ पाटिल जी, वैसे कुछ सोचा आपने आगे क्या करना है? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं सोचा है, पर 300 रुपए मामूली रकम नहीं है, ना खेती बची है ना अनाज, ये सब कैसे संभव होगा ये मैं कुछ नहीं जानता, पर साई ने कहा है तो मैं आश्वस्त हूं। और रही बात कुछ करने की, तो हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी करेंगे, अपने नहीं तो किसी और के खेत में, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। माधव, मुझे किसी भी बात का मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है, छिपरी को उसकी मुसीबतों से बचाकर मुझे जो संतुष्टि मिली है ना, उसके बाद मेरी राह में कितनी भी कठिनाइयां आए उसका सामना कर सकता हूं। चलता हूं मैं। बाबा मैं भी आया। पाटिल जी और भाई साहब का कितने भले इंसान, पाटिल परिवार पूरे गांव में एक मिसाल है। ऐसे मददगार और परोपकारी लोगों के साथ हम कैसे बुरा होने दे सकते? तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मेरा इंतजार? हाँ, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे साईं? परी जी, साईं जरा यहाँ। क्या तुम अपना खाने का डब्बा दे सकती हो मुझे? साईं अगर आपको भूख लगी है तो मैं अपने घर से ले आता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है, परी है ना? जी साई, मैं हूँ ना, ये लीजिए। धन्यवाद, अब तुम पाठशाला जाओ। लेकिन अध्यापक जी तो यहाँ हैं। तुम जाओ और बच्चों से कहना कि पाठ याद करें, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? बैठो। ये लो खाओ। सोच रहे हो श्यामा? खाओ। साईं, मैं पाटिल जी और उनके परिवार के बारे में सोच रहा था।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। अभी आते वक्त मैंने देखा अंता पंता उन्हें ताने दे रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। सहानुभूति तो सभी दिखाते हैं श्यामा, पर मदद कोई नहीं करता। जो मदद करे वही असली शुभचिंतक होता है। खाओ। मुझे बताइए साईं, मैं पाटिल जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कब, कहां, कैसे और किधर से मिल जाए ये कोई नहीं कह सकता। खाओ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। खाओ श्यामा। साई ओम साई ओम साई ओम। पापा क्या है? दवा भी खत्म होने को आई और जख्म अभी तक भरा नहीं। कुलकर्णी सरकार से जाकर मिलना ही पड़ेगा। मुझे और दवा लेनी ही पड़ेगी। बच्चों, यह है जल शुद्ध करने का उपकरण। इसमें चार परतें होती हैं। सबसे नीचे कोयले की परत, उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ उनकी परत होती है, और उसके ऊपर बालू, और उसके ऊपर होते हैं बड़े बड़े पत्थर। जब हम ये गंदा पानी इसके अंदर डालते हैं तो वो चारों परतों से छन के इस नल के द्वारा नीचे साफ पानी गिरता है। देखो ऐसे। तो बच्चों, इस तरह से जल शुद्धिकरण होता है। समझ में आया? भोजन के अवकाश का समय हो गया है, तो जाओ कुछ खा लो और थोड़ा खेल लो, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है? अरे, आज खाने का डब्बा नहीं लाई? लाई थी, लेकिन मैंने साई को दे दिया। भामा को कहता हूं वो थोड़ा सा खाना परी को दे देगी। कोई बात, हम सब है ना। रुको दोस्तों, आज हम सब परी के लिए खाना इकट्ठा करेंगे। मेरी मदद करोगे? ये लो, अब खाओ। तुम लोगों को कम तो नहीं पड़ेगा ना? कम कैसे पड़ेगा, अपने हिस्से से एक एक निवाले तो दिया है तुम्हें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो तो, धन्यवाद। तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कब, कहां, कैसे और किधर से मिल जाए ये कोई नहीं कह सकता। अगर इसी तरह सारे गांव वाले मिलकर पाटिल जी की मदद करें तो किसी को भार भी नहीं पड़ेगा और हर संभवतः 300 रुपए जमा भी हो जाएंगे।
आपने मुझे राह दिखा दी, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं लोगों से मिलकर उनकी मदद पाने में कामयाब हो सकूं। शिरडी में इतने घर हैं कि अगर 5-5 रुपए भी लोग दें तो हमारे पास 300 रुपए हो जाएंगे, या फिर जिससे जो बन पड़े वो भी दे तो भी हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम पाटिल जी की जमीन छुड़ा सकेंगे। और मैं आश्वस्त इसलिए भी हूं क्योंकि पाटिल जी और भाईजाका की मदद करने के लिए कोई भी ना नहीं करेगा। शिरडी में ऐसा कोई नहीं जिसने पाटिल परिवार से मदद ना पाई हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है श्यामा, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वो केवल तुम हो। मगर इस काम को करने के लिए तुम्हें किसी और की भी मदद लेनी होगी। किसकी मदद साईं? मेरी और किसकी? मैंने सारी बातें सुनी, बहुत ही अच्छा विचार है। इस नेक काम पे अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो मैं करना चाहूंगी, क्योंकि सच कहूं तो ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं। पाटिल जी और बाईजा ने मेरी भतीजी की मदद बहुत ही बुरे वक्त में की, मानो जैसे भगवान बनकर आए हो। ऐसी देवता जैसी व्यक्ति की अगर मैं कुछ मदद कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी साईं। किसी को प्रायश्चित करने का मौका देना, उसकी मदद करना पुण्य का काम होता है। श्यामा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे मकसद में जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले तो तुम्हें शांताताई की मदद लेनी होगी। एक से भले तो आगे अल्लाह मालिक। हमेशा हम सबके सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने दूसरे की मदद करने के लिए अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? मैं जानती हूं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर साई पर तो है ना। हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कर रहे हैं। तुमसे जो भी बन पाए ना वो लेकर द्वारका में आ जाना। पाटिल जी और बाईजा की मदद करो। बाईजा अत्ता ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे पास रजाई बनाने वाली सखियों की एक मंडली भी है। हम सब से जितना बन पड़ेगा हम सब मिलकर उनकी मदद जरूर करेंगे। मैं भी जिपरी को बहुत मानती हूँ, बहुत नेक है वो। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन गुजर बसर करने के लिए कुछ जमीन तो रखनी चाहिए थी। तुम लोगों ने झिपरी की शादी कराने का फैसला किया तो मुझे खुशी हुई। यहां तक कि जमीन गिरवी रखी तो भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन इंसान को अपने बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। जानती हो भाईसा, जब भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद करनी चाहिए तो उनकी पत्नी ने खुद के लिए कुछ धन रखने को कहा था, लेकिन यहां तो पत्नी पति के 4 कदम आगे है। ना अपने परिवार की चिंता ना अपनी। आई, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तो आप ही के दिए हुए संस्कार है ना। हमने लोगों की मदद की
तो लोग हमारी मदद करने में लगे। शायद आपको पता नहीं है कि माधव और झिपरी की शांता हत्या हमारे लिए धन इकट्ठा करने में जुटे हैं। वो सब ठीक है अप्पा, लेकिन शिरडी में इतना पैसा किसके पास है जो हमारी मदद कर सके? आई ज्यादा मत सोचिए, साई है ना, ठीक हो जाएगा सब। आप सही कह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हम अपने तय समय पर द्वारका में पहुंच जाएंगे। चलता हूं। मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगा। मदद तो मैं भी करना चाहता हूं चंदू, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं ना, उसे सरकार का ब्याज चुकाना है। आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर मदद करेंगे। आज ना द्वारका में दोपहर को आ जाना, तुमसे जो भी बन पड़े हो लेकर पापा को मदद करनी है। तुम लोग दोनों भी दोपहर को द्वारका में आ जाना। क्या सच में बदल गई है? साई, मैंने जाकर सबसे कहा कि उनसे हो सके उतनी मदद करें और यहां ले आए, लेकिन मेरे अतीत की वजह से मुझे लगता है कोई मेरी मदद नहीं करेगा। सब लोग मुझे शक से देख रहे थे। साई, वैसे कहा तो मैंने भी सबसे, पर कितने लोग आएंगे ये मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है साई? तुमने और शांता ताई ने इतनी मेहनत की है तो गांव वाले जरूर आएंगे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तब तक मैं सफाई कर देती हूं। आओ श्यामा। दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तेरी मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ। देख तेरी आत्या की क्या हालत हो गई है, जा उनकी मदद कर। Thank you.
आप बैठिए, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। साईं, दोपहर होने को आई, अभी तक कोई नहीं आया। आएंगे, सब आएंगे श्यामा, श्रद्धा, सबूरी। आपने जो लेप दिया था वो खत्म हो गया, लेकिन ये दर्द खत्म नहीं हुआ, घाव अभी भी गहरे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। हरिओम हरिओम। जलने झुलसने से होने वाले घाव इतने आसानी से नहीं भरते हैं परशुराम जी, समय लगता है। पहली बात तो ये है कि ये घाव मायावी शक्ति से हुए हैं। इसका हाथ क्यों गर्म हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है। और दूसरी बात, ये गहरे भी हैं। मैं काम करता हूं परशुराम जी, मैं लेप बदल देता हूं। हिमालय की तराई में जो जड़ी बूटी मिलती है ठंडक देने वाली, उस जड़ी बूटी से बनाया हुआ एक लेप है मेरे पास। थोड़ा महंगा है, लेकिन समझ लीजिए रामबाण है। पैसों की चिंता नहीं है मुझे, बस ये घाव ठीक कर दीजिए मेरा। अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। बताइए कितने पैसे दे दूं? पैसे आपके लिए मात्र 50 रुपए। बस जी, ठीक है। हाँ, अभी लाता हूं लेप। जब अपने जान पे आती है तो मनुष्य कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है। 2 रुपए का लेप 50 रुपए में भेज दिया मैंने। हरिओम। तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे।
वो देखिए, दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है, झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम, हरे कृष्णा जी, आपका लेप। हाँ, ये लीजिए। सरकार, सरकार! आंखें फूट गई हैं क्या तुम्हारी? देख के नहीं चल सकते? सरकार, बात ही ऐसे ही कि दौड़ते भागते हुए आना पड़ा। माधव और जिपरी की आत्या है ना? हाँ। वो दोनों शिरडी वासियों के घर जाकर अप्पा के लिए पैसों की मदद मांग रहे हैं। क्या? हाँ। हरिओम हरिओम। यदि गांव वालों के पास पैसे होते तो क्या गांव वाले मुझसे ऋण लेते? कोई बात नहीं। और जहां तक बात रही सार्वजनिक मदद की, तो वो होने से रहा। बाल गंगाधर तिलक आवाहन कर रहे हैं लोगों को संगठित होने के लिए कि गणेशोत्सव की स्थापना करो, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आवाहन करने से कुछ नहीं होगा पंता। सपने देखे जाते हैं देखने के लिए, लेकिन पूरे नहीं होते हैं वो। अगर यहां के लोगों में इतनी समझ होती तो यहां अंग्रेजों का राज होता क्या? स्वराज होता स्वराज। है कि नहीं परशुराम जी? एकदम सोला आने सच कहा आपने। सार्वजनिक मदद। यही तो खासियत है शिरडी की। हैं? ऐसा कोई एक भी उदाहरण, कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए जब शिरडी के किसी निवासी पर मुसीबत आई हो और वहां के लोगों ने उसे मुंह फेर लिया हो या उसकी मदद ना की हो। है कोई? जब
बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे बोला नहीं करते, ये मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था केशव। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जाओ। साई, हम सभी औरतों ने अपनी जरूरतों को काट कपट करके जो पैसे बचाए हैं वही पैसे हमने दान में दिए हैं। साई, हम कब तक पैसे जमा कर सकते हैं? वो क्या है कि हम सब मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी मजदूरी शाम को मिलेगी। आज रात तक इस पात्र को हम यहाँ रखेंगे, तब तक जो भी चाहे वो मदद कर सकता है, सहयोग दे सकता है। जरूरतमंद की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है, और फिर आज तो माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि है। आज के दिन किया गया दान धर्म और भी ज्यादा पुण्य देता है, मतलब सोने पर सुहागा। अप्पा जी जैसे भले आदमी की मदद करके पूरे गांव को पुण्य मिलेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मालिक हमारी मदद जरूर करेगा। अब आप अपने अपने काम पर जा सकते हैं। प्रणाम साईं। प्रणाम सर। राम जी भला करें। केशव, सबने खाना खा लिया, अब तुम भी खा लो। वैसे भी खाना बनने में आज थोड़ी देर हो गई थी, बैठो चलो। रुक्मिणी, उसे निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, वो बड़ा हो गया है, आदर्शवादी हो गया है। घर में जो खाना बना है वो मेरे पैसों से बना है, ये नहीं खाएगा। उसके विचार में मैंने जो पैसे कमाए हैं वो गोरख धंधे से कमाए हैं, परिश्रम से नहीं। और वैसे भी आज घर में काली दाल बनी है, काले धंधे की काली दाल इसके गले से नहीं उतरेगी। अब क्या हुआ केशव? केशव, अरे खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। केशव, पिताजी की बात का बुरा नहीं मानते हैं। केशव रुक जाओ, केशव। जाने दो रुक्मिणी, वापिस आएगा वो। पेट में जब भूख की आग जलती है ना तो सारा घमंड भस्म हो जाता है। जाने दो उसे। राम जी भला करे। मंगलसूत्र बेचकर 3 रुपए मिले थे, सोचा था जिफरी के लिए गहने बना दूंगी, पर वो पैसे भी मैंने कलश में डाल दिए। मुझे खुशी है कि आप और अध्यापक जी पाटिल जी की मदद कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे असंभव भी संभव हो रहा है। शांता ताई का नाम क्यों नहीं लिया आपने? किस सोच में पड़ गई आप? मैं जानती हूं साई कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो मेरी झिपरी के साथ किया है उसके बाद शायद ही मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुख नहीं हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुई, पर नफरत से तो आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। मैं जानता हूं कि आपको दुख पहुंचा है, तकलीफ हुई है आपको, लेकिन नफरत से तो कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। और क्षमा कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण जानती हैं आप? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो मरते हुए दुर्योधन की यह अंतिम इच्छा थी कि वो पांडवों के कटे हुए सर देखे। ये बात उसने अपने मित्र अश्वत्थामा को बताई। अश्वत्थामा दुर्योधन की हार और उसकी हालत से बहुत दुखी था। उसने दुर्योधन की ये बात मान ली, पर चूंकि अश्वत्थामा पांडवों को मार नहीं सकता था इसलिए उसने पांडवों के 5 मासूम बेटों की हत्या कर दी। द्रौपदी शोक के सागर में डूब गई, उसका हृदय फट गया दुख से, पर फिर भी अंत में उसने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। क्यों साई, कोई मां अपने संतान के हत्यारे को कैसे माफ कर सकती है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का बेटा था, वो द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, और उन्होंने पांडवों को वो शिक्षा दी थी जो उन्होंने किसी को भी नहीं दी। अगर एक मां अपने बेटों के हत्यारे को माफ कर सकती है तो फिर हमारी लक्ष्मी तो बिल्कुल ठीक है और आपके साथ है। और वैसे भी गलती केवल शांता ताई की नहीं है, गलती आप दोनों ने भी की है। लक्ष्मी का ब्याह तय करने से पहले लड़का क्या करता है, उसका घर बार कैसा है, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की। आप दोनों को ही ब्याह की बहुत जल्दी थी, बेटी को मां की चिंता थी और मां को बेटी की फिक्र। एक दूसरे से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना ये तो अच्छा नहीं है। अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीख लेकर एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं तो फिर शांता ताई क्यों नहीं कर सकती? तुम कहना क्या चाहते हो साई? माफ कर दो शांता ताई को। माफ कर दे अपनी हत्या को। मामी जी, आप केशव दादा को लेकर इतने परेशान क्यों है? केशव ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता है, सुबह से कुछ नहीं खाया है उसने, जिद में वो तुम्हारे मामा जी पे गया है। पापे पूत प्राप्त घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा भूखा है। यदि ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारा ये सुपुत्र मेरे व्यवसाय को संभालने में या अपने बाप की तरह साहूकार बनने में होता तो स्वयं को मैं धन्य समझता। इसे देखो, अपने बाप को आदर्श नहीं मानता है, बाप के शत्रु को आदर्श मान रहा है।
क्यों चिंता कर रही है ऐसे बेटे की? उस फकीर की तरह कहीं भीख मांग के पेट भर लिया होगा, और अगर भीख नहीं मिली होगी तो आंखें खुल गई होंगी उसकी। चिंता मत कर, आ जाएगा थोड़ी देर में खाना खाने। दादा आ गए। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी राह देख रही हूं, सुबह से भूखे हो। चलो पहले कुछ खा लो, आओ अंदर आओ। चलो। नहीं माँ, इस घर का खाना अब मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। मेरे घर में पिताजी मुझे खाने पीने को लेकर ताने देते रहते हैं। आप बताइए माँ, इतनी बातें सुनकर कोई कैसे खा सकता है? मैं कुछ नहीं जानती, चुपचाप चलो और खाना खाओ, आओ चलो। मैंने खा लिया है बाजार में, और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं केले लेकर आया हूं, इन्हें ही रात में खाऊंगा। रात के लिए केले? किसके पेड़ से तोड़ के लाए हो ये केले? और यदि नहीं तोड़े हैं तो ये खरीदने के लिए पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? और दोपहर का खाना वो किसके पैसे से खाया? मामा जी के पैसे। जब मैं उनके यहां से वापस आ रहा था तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए, और ये पैसे उनकी खून पसीने की कमाई के हैं। किसी के खून से सारा बोर, किसी बीमार मजबूर लाचार से छीने या फिर धोखाधड़ी से हड़पे हुए पैसे नहीं है ये। छोटे लोगों के साथ रहकर संस्कार भी भूल गया है तू? अपने पिता के साथ कैसे बात की जाती है इसका विस्मरण हो गया है तुम्हें? मैं भी देखना चाहता हूं केशव, मामा के परिश्रम की आय पे कितने दिन तक टिका रहता है तू। कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, मैं दोबारा उपली बेचने चली गई थी ताकि मैं कुछ और पैसे इकट्ठा कर सकूं। साई, हम लोग पैसे गिन ले।
सबने अपनी अपनी तरह से मदद की है, तो मैं भी कुछ देना चाहता हूं। साई, क्या सरकार ये कंकड़ स्वीकार करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, साई का दिया व्यर्थ नहीं जाता, इसका आशीर्वाद है ये। अब किनो श्यामा। जी सर। ₹10। ₹20। आखिरी के ₹5। मैं जोड़ के बताता हूं कितने हुए। कुल मिलाकर ₹250 ही जमा हो पाए हैं, लेकिन हमें तो ₹300 की दरकार है। पात्र में एक बार और देख लो, हो सकता है कुछ पैसे हों जो बाहर निकलने से रह गए हों। जी साई। इधर देखिए, आइए।
ये तो पूरे 50 रुपए हैं। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे साई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ ये पैसे नहीं, ये प्रमाण है इस बात का कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं हम। अब्बा जी, जरूरत पड़ने पर आपने गांव में सभी की मदद की है और देखिए आज इन सब ने मिलकर आपकी मदद की। ये इस बात का प्रमाण है कि कर्म और उसके परिणाम से बच नहीं सकते हम। मैं इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं आजीवन याद रखूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं रह पाऊंगा जब तक कि आपके ऋण के पैसे चुका ना दूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह आपकी मेहनत की कमाई है। कुछ लोगों ने दिहाड़ी मजदूरी देकर मुझे मदद की और किसी ने ज्यादा से ज्यादा समय देकर मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो सके। अब्बा जी, आप कल सुबह ही कुलकर्णी सरकार के पास चले जाइएगा और उनके पैसे उन्हें वापस करके अपनी जमीन के कागज छुड़ा लाइएगा। अब्बा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्योंकि बात जब कुलकर्णी सरकार के यहां जाने की हो तो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई साक्षी रहना जरूरी है। ये लीजिए अब्बा जी। साईं, आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। जाइए अब्बा जी। साईं, अब मेरी समझ में आ गया कि यहां आपको लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। शुक्रिया शांता ताई, आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं था। उम्मीद करती हूँ कि सुमित्रा और जिप्री को भी मेरी ये मदद सच्ची लगे और मुझे कभी तो माफ कर दे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, श्रद्धा सबूरी।
अल्लाह मालिक। उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए सरकार, सारे के सारे गांव वाले नमक हराम और एहसान फरामोश निकले, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके पाटिल की मदद की। हाँ सरकार, पता नहीं उस पाखंडी ने क्या जादू किया गांव वालों पर। जब भी आते हो अशुभ समाचार लेकर आते हो तुम लोग, जाओ यहां से। अर्थात पाटिल आ धमकेगा पैसे लेकर मेरी चौखट पे सुबह सुबह, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। मुझे साईं पर पूरा भरोसा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जानती है चंपा, जब पाटिल काका ने अपनी सारी जमीन गिरवी रखी तो मैं बहुत बेचैन थी, खुद को दोषी समझती थी, लेकिन अब मैं इत्मीनान से सो सकती हूँ क्योंकि उन्हें अपनी जमीन आज वापस मिल जाएगी। सच में पाटिल काका बाईजामा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है चंपा, इन दिनों मैं तात्या से भी अपनी नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, मेरी वजह से उसका सब कुछ छीन गया। चल। आह, दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। नालायक, बैलगाड़ी में बैठने से पहले जांच तो की होती बैल स्वस्थ है कि नहीं। बीच राह में रुक गए वो बैल, अचानक ये दर्द कहां से पड़ गया। फुलकर्णी सरकार का लेप भी तो खत्म हो गया। बाबा, गलती हो गई बाबा, और चला नहीं जा रहा है मुझसे। बाबा चक्कर सा रहा है। संभालिए बाबा। नहीं बाबा, संभालिए बाबा, वहां चल के बैठते हैं बाबा। बाबा दर्द हो रहा है। ये तो वही परशुराम है जिसने जिप्री और उसके परिवार के साथ धोखा किया था। दर्द सहा जा रहा है मुझसे। कोई मदद कीजिए, कुलकर्णी सरकार के घर तक पहुंचने के लिए कोई मदद कीजिए हमारी। क्यों, वहां जाकर कोई नई साजिश रचनी है? भुक तो अपनी कर्मों की सजा। इस लड़की पे बहुत पैसे खर्च किए मैंने, ये शादी होगी और अभी इसी वक्त होगी। छोड़ो, चल, छोड़ो, चुप। तेरी पूरी कीमत दी है मैंने, अब ये हाथ कोई छुड़ा के तो दिखाए। मेरा हाथ जल रहा है। कोई हाथ छुड़ाओ मेरा। इसे ऐसे ही तड़पने दो। हाँ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हाँ, तुमने जो झिपरी के साथ जुल्म किया है उसी की सजा मिली है तुम्हें। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं भेवा काका? यहाँ एक बीमार आदमी दर्द में तड़प रहा है, इनकी मदद करने के बजाय आप इन्हें शब्दों से ऐसे जख्म दे रहे।
अगर साई होते तो क्या ये ऐसे ही दर्द में भिलक रहे होते? साई हर जरूरतमंद की हर किसी की मदद करते, बिना देखे कि वो उनकी शुभचिंतक है या नहीं। क्या उनके साथ रहके हमने कुछ नहीं सीखा? बाबा, इनका इलाज सिर्फ साई कर सकते हैं। आप इन्हें साई के पास ले चलिए, क्योंकि रूह हो या शरीर, साई से बड़ा वैद्य कोई नहीं। मुझे किसी के भी पास ले चलो, लेकिन ले चलो, मुझसे अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा। मेरी मदद कीजिए इन्हें साई के पास ले जाने में। पंता जी, सरकार इतना शांति से कैसे बैठे हैं? ये जानते हुए भी कि अप्पा पाटिल ने 300 रुपए जुटा लिए हैं। अंता जी, ठहरे हुए पानी की गहराई को मापना हर किसी के वश की बात नहीं। सरकार चुप है तो चुप रहने में ही हमारी भलाई है। अगर मार खाने का मन हो तो पूछिए आप। अरे आइए आइए पाटिल जी, माधव जी आइए। मैं अपनी जमीन छुड़ाने आया हूँ। अरे ओम, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये रहे आपके पैसे। हाँ, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इन्हें गिन के ले सकता हूँ? जरूर सरकार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतनी अच्छी बात है। मुनीम, पैसे गिन के लो। जी सरकार। आप बस थोड़ी देर की बात है, जैसे ही आप साई की विभूति पिएंगे आपका दर्द पक्का कम हो जाएगा। द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सरकार पूरे नहीं है। Thank you.
ये कैसे संभव हो सकता है? कितने पैसे कम है? पैसे नहीं, रुपए कम है, वो भी पूरे 200 रुपए। दो सौ रुपए? हरिओम हरिओम। हाँ, पोटली में सिर्फ 300 रुपए ही है। ये लो। पर मैंने तो आपसे 300 रुपए उधार लिए थे। पाटिल जी, मैं आपकी भूमिहीन होने की पीड़ा को समझ सकता हूं। आघात पहुंचा है आपको, लेकिन प्रतीत होता है आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। याद कीजिए, मैंने आपको 300 रुपए नहीं 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए। अब आप ही बता दीजिए, 50 एकड़ जमीन का मूल्य क्या केवल 300 रुपए हो सकता है? बताइए बताइए। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे 300 रुपए ही दिए थे, वो भी पूरे गांव वालों के सामने चावड़ी में। सारे गांव वाले इसके साक्षी हैं। अरे हाँ हाँ, बात तो 300 रुपए की ही हुई थी, लेकिन याद कीजिए, जब हम हस्ताक्षर कर रहे थे दस्तावेज पे, तब 500 रुपए पर हम दोनों की सहमति हुई थी। और अप्पा जी, लेखा पत्र पर जितने रुपए लिखे हैं उतने रुपए आपको मुझे लौटाने होंगे, ना एक रुपया कम ना एक रुपया ज्यादा, सीधा हिसाब। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं आप? मुनीम, इन्हें लेखा पत्र दिखाओ, तब इन्हें विश्वास होगा। जी सरकार, अभी बताता हूं। देखो, सरकार दस्तावेज में तो 500 रुपए ही लिखे हैं। अगर ऐसा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। आपने छल कपट किया है हमारे साथ। 300 रुपए की जगह आपने उसे 500 रुपए बना दिया है। अपनी मर्यादा में रहो माथाओं, मर्यादा में रहो। तुम्हारे मुंह से छल कपट की बातें शोभा नहीं देती। तुम पर दया दिखा के तुम्हें काम दिया मेरे यहां, और आज तुम मेरे सामने मेरे विरोध में खड़ा है, मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। तू लीजिए पाटिल जी, आप खुद देख लीजिए, बताइए कहां हेरफेर की गई है। लीजिए, ये तो 500 रुपया ही लिखा है इस पर। इस आदमी को देख रहे हो मुनीम? यह आदमी लेखा पत्र में हेर फेर करने में, परिवर्तन करने में सक्षम है।
अक्षरों को ऐसे बदल देगा चतुराई से कि किसी के पकड़ में नहीं आएगा कभी। लो। कुलकर्णी सरकार, आप हमें दस्तावेज दिखाने से पहले खुद क्यों नहीं देख लेते कि आपने इसमें क्या किया है? देखिए, ये कैसे हो सकता है? मात्र 5 रुपए? उस तक पहुंचे हर एक डगर, राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर नजर साई।
कुलकर्णी सरकार, दस्तावेज पर आपके और पाटिल जी के दस्तखत भी तो हैं, और ये दस्तावेज तो आपके पास ही थे, और आपने ही कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, कोई हेरा फेरी नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको 300 रुपए दिए थे। इसमें केवल 5 रुपए लिखे हैं, तो फिर 295 रुपए कौन देगा? लेकिन कुलकर्णी सरकार, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लेखा पत्र में जितना लिखा है मुझे उतना ही पैसा चाहिए, ना उससे 1 रुपए अधिक ना उससे 1 रुपए कम, सीधा हिसाब याद आया आपको, है ना? इसलिए सरकार, हम तो कागज की बात ही मानेंगे। पाटिल जी, इन्हें 5 रुपए दे दीजिए। कागजात में क्या लिखा है क्या नहीं, किसे क्या याद है किसे क्या नहीं, यह सब तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिपरी की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैंने मेरी 50 एकड़ जमीन गिरवी रखी और कुलकर्णी सरकार से 300 रुपए उधार लिए, और वही रुपए मैंने परशुराम जी को जाकर दिए और जिपरी को आजाद किया और अपनी बेटी की लाज बचाई, और गांव वालों ने मेरी जमीन छुड़ाने के लिए मुझे मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा किए। और एक सच बात बताऊं आपको, मैं कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि साई ने हमें सिखाया है सच के मार्ग पर चलने के लिए। इसलिए मैं आपको 300 रुपये ही लौटाऊंगा। कुलकर्णी सरकार, हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमारे मन में विश्वास का दिया कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस दिए की जो रोशनी है उसका नाम है साईं। और जिसके पास साईं है उन्हें किसी से डर नहीं लगता, किसी से भी नहीं।
मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया, मेरा दर्द दूर हो गया, साईं मेरा दर्द दूर हो गया। मेरा दर्द दूर हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सच में मैं किसी लायक नहीं हूं, किसी काबिल नहीं हूं। एक यह लड़की है जिसके साथ बाबा ने अत्याचार किया, धोखा किया, और मैंने उनके योजना में उनका साथ दिया, और ये लड़की जिसने अपने साथ हुए अन्याय को भुलाकर बाबा के खिलाफ बोलने वाले लोगों को डांटा, हमारी मदद करने के लिए हमें यहां ले आई, और एक मैं हूं, दब्बू मुंह चोर, सबसे नालायक। कभी मैं मुंह खोल नहीं पाया, मैं इनके घर चुप रहा जब ये लोग मुझे दूल्हा समझ रहे थे। कुलकर्णी सरकार के सामने भी झूठ बोला, मुझे खुद से घृणा हो रही है। ठीक।